यहाँ से जाता है रेलवे स्टेशन, तो अभी आप लोग को रेलवे स्टेशन और ले कर चलूँगा। तो आप लोग यहाँ देख लीजिए अच्छा से, ये है ठीक पुलिस स्टेशन का सामने है ये चौक, यहाँ पे है। यहीं से ही आप लाठी काटा और जाएंगे राउरकेला से, तो यहाँ से लेफ्ट साइड और जाना है रेलवे स्टेशन। लाठी काटा रेलवे स्टेशन है, आप लोग देख सकते हैं इस तरफ है, इस तरफ है लाठी काटा रेलवे स्टेशन। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए, मैं आप लोग को लेके चलता हूँ लाठी काटा रेलवे स्टेशन। रास्ता में पड़ता है, आप लोग देख सकते हैं इस तरफ है मेन गेट, आगे देखिए इस तरफ है मेन गेट। तो देखिए दोस्तों रेलवे स्टेशन आने तक पड़ता है, रेलवे क्रॉसिंग है, ये क्रॉस करना पड़ता है, आप लोग देख सकते हैं ये रेलवे क्रॉसिंग है। इसको पार करने के बाद ही रेलवे स्टेशन पहुँच सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये इधर रेलवे स्टेशन जाता है और ये मोहनतो को जाता है, करलाखमन को जाता है ये रोड, ये पूरा जंगल का अंदर रोड जाता है ये वाला रोड। तो यहाँ पर आप लोग को लेफ्ट पे जाना नहीं है, यहाँ से आप लोग को राइट पे जाना है। दोस्तों हम पहुँच गए हैं लाठीकाटा रेलवे स्टेशन, ये देखिए इस तरफ है। चलिए आप लोग को लेके चलते हैं। यहाँ पर फेयर टेबल है, कितना कहाँ कौन सा स्टेशन पे भाड़ा लगता है ये देखिए। यह है टिकट काउंटर। तो चलिए आप लोगों को लेके चलते हैं आगे। ये भी इधर से जाने के लिए रास्ता है उस तरफ, तो ये चलते हैं। ये देखिए दोस्तों ये राउरकेला तरफ से आ रहा है, बरसवा की ओर जा रहा है, ये माल गाड़ी है। ये देखिए दोस्तों वैगन अभी खाली है, आप लोग देख सकते हैं ये खाली होके आया है, अभी जा रहा है ये किरीबुरु बरसवा की ओर। बहुत ही लंबा वैगन है, ये देखिए दोस्तों किरीबुरु बरसवा की ओर जा रहा है। बहुत ही लंबा इसका डब्बा सब है, बहुत लंबा है। हम लोग जहां फाटक क्रॉस किए थे वहां तक अभी तक लगा हुआ है और इधर बहुत दूर जा चुका है। ये देखिए ग्रीन सिग्नल मिल गया है दोस्तों, ये गाड़ी को अभी जा रही है, रफ्तार तेज हो गया है। दोस्तों
इसके बाद आता है चंपाचरण स्टेशन, चंपाचरण के बाद में चांदीपुर, ये ट्रेन अभी पहुंचेगी चंपाचरण स्टेशन। इसका रफ्तार बहुत तेज हो गया है दोस्तों, बहुत स्पीड से जा रही है। दोस्तों गाड़ी चली गई, चलो आप लोगों को यहाँ का और थोड़ा सीढ़ी और किस किस तरफ क्या क्या है चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए ये सीढ़ी नीचे को जाती है, जब ट्रेन आएगी राहुल किला से बारसवा के ओर जाएगी तब हमें ये सीढ़ी पर से उतरना है और ट्रेन में बैठना है, ट्रेन में बैठ सकते हैं। दोस्तों ये लेन में एक ही ट्रेन चलती है, वो है बीर मित्रापुर टू बरसवा, एक ही ट्रेन चलती है यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे बैठने के लिए है, पैसेंजर सब यहाँ पर बैठ सकते हैं, वेटिंग कर सकते हैं, वेटिंग सीट है। तो देखिए दोस्तों ये है हम लोग का गांव का जो कि सामने है, सामने वाला स्टेशन है लाठीकाटा रेलवे स्टेशन। आप लोग उधर आगे में देख सकते हैं लिखा हुआ है लाठीकाटा रेलवे स्टेशन। और इस तरफ देखिए कोई है बाहर से आए हुए हैं, यहाँ पर डेरा लगाए हुए हैं, इस तरफ आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आप लोग को वहाँ दिखाता हूँ जहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है लाठीकाटा स्टेशन। ये देखिए यहाँ पर लाठीकाटा लिखा हुआ है, उड़िया हिंदी और इंग्लिश से लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों ये है लाठीकाटा रेलवे स्टेशन जो कि हम लोग का गांव से थोड़ा सामने है। तो जब हम लोग को राहुल किला या बारसवा जाना होता है तो यही स्टेशन पे आते हैं और यहां पे आके ट्रेन में बैठ के जाते हैं। राहुल किला की ओर जाना है, जाना पड़ता है तो आप लोग ये वाला सीढ़ी में उतर के इधर से ट्रेन पकड़ सकते हैं। ये वाला सीढ़ी है, ये वाला सीढ़ी है, देखिए ये वाला सीढ़ी में आप नीचे चले जाएंगे और बारसवा की ओर से जो ट्रेन आएगी उसमें बैठ के आप राहुल किला की ओर जा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग को पूरा डिटेल्स बता दिया है ये लाठीकाटा रेलवे स्टेशन के। ये देखिए दोस्तों ये मालगाड़ी बारसवा के ओर से राहुल किला की ओर जा रही है। तो फाइनली दोस्तों आप लोगों को पूरा टोटली यहाँ का जानकारी आप लोगों को बता दिया है। और एक बार दोस्तों ये बता देते हैं कि ये वाला लाइन पे ये एक ही ट्रेन चलती है बीर मित्रापुर से बरसवा, वहीं से जाती है बरसवा जाती है, वहां से फिर वापस चले आती है। एक दिन में एक ही बार जाता है, सुबह को जाता है यहां पहुंचता है 9 से 10 बजे का अंदर और यहां से बरसवा की ओर जाती है और उधर से वापस जब आती है तो यहां 4 से 5 बजे का अंतर में पहुँचती है। तो दोस्तों यहाँ पर सप्ताह में 6 ही दिन ट्रेन चलती है, संडे को ऑफ रहता है, ट्रेन नहीं चलती है, इसलिए संडे का दिन यहाँ से हम कहीं भी नहीं जा सकते हैं ट्रेन से। अगर कहीं जाना होता है तो हम लोग बस से जा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग को पूरा डिटेल्स यहाँ का रेलवे स्टेशन के बारे में आप लोग को बता दिया है, वेटिंग सीट सब दिखा दिया है और बुकिंग काउंटर भी आप लोग को दिखा दिया है। अगर फिर भी आप लोग कुछ और जानना चाहते हैं ये स्टेशन के बारे में तो प्लीज़ कॉमेंट कीजिएगा। तो ओके दोस्तों शायद आप लोग को कुछ ये स्टेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा, आशा करते हैं कि आप लोग को डिटेल्स यहाँ का मिल गया होगा। तो ओके दोस्तों हमारा वीडियो में बने रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। आप लोग अच्छे रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।